हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसे एंड यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़े दिन बाद किसी पॉलिटिकल न्यूज़ पे, बड़े दिन ऐसे लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है हमने काफ़ी दिन से किसी पॉलिटिकल उस पे बात नहीं की। हम फन और रील्स और इन्हीं में लगे हुए थे। तो आपको पता है मोदी साहब जो हैं वो अमेरिका के विजिट पे थे और अभी भी हैं, और उन्होंने वहाँ की जो स्टेट की कांग्रेस है उससे खिताब भी करना है शायद। तो आइए जी देखते हैं, इस बारे में बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग बातें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब ऑन एंड ऑन इतना कुछ बातें चल रही हैं। तो हमने सोचा इस पे इसको देख ही लेते हैं भाई क्या चल रहा है। तो वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम हुआ था, तो यहाँ भी कहा ये जा रहा है उससे बड़ा होगा। करते हैं 3-2-1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से इस दौरे को काफी अहमियत दी और जा रही है। दौरा खत्म हो इसी गया, बीच व्हाइट हम हाउस से एक बड़ा बयान सामने हार आया है। डालने का इसमें लैंड हो व्हाइट गया। हाउस ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगामी दौरे पर क्या क्या होगा, किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत होगी। भारतीय प्राइम मिनिस्टर के दौरे पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चीन से लेकर रूस और यूक्रेन पे की सारे नजर गौर आएगी। से देख ऐसे रहे में हैं सवाल क्या उठ चल रहा है रहा कि है। आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा कितना खास है। इस दौरे के बीच हिंद प्रशांत महासागर से लेकर अंतरिक्ष तक से जुड़े क्या क्या समझौते हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में इतिहास रचने जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस मीडिया दौरे तो में चर्चा कई ही करता रिकॉर्ड टूट रहता है सकते हैं। पता दरअसल पाकिस्तान और चीन भारतीय प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका दौरे से जले भुने बैठे हैं। पाकिस्तान में तो अभी से इस दौरे पर जोरों शोरों से चर्चा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कौन कौन से समझौते करने जा रहे हैं। आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि कौन कौन से 7,000 समझौते करने जा रहे इंडियन हैं। लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के, उस इवेंट के। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफायेट प्लाजा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कम्प्लीटली बुक कर लिया है। कंप्लीटली उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे सही। जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं। उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर हैं, डांस हैं, म्यूजिक है, सारा कुछ वहां। बिल्कुल लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा। यहाँ पे हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा, मेरे ख्याल में दिस विल। और कांग्रेस लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी भाई, जा रही क्योंकि है जो किसी उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह नया थी? भारत बनाया भाई। उसकी 3-4 वजह। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में रोल डाल रही है, नंबर वन ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओ, बिल्कुल ये दूसरी वजह। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी जाबे कर रहे हैं, IMF में भी जाबे कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। उन इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट जो है इंडियन वो ओरिजिन। इंडियन अमेरिकन। अच्छा, ये तो होगी अलग बातें कि इंडियन अमेरिकन हैं तो इस वजह से ज़रा आप कह लें कि एक इम्पोर्टेंस मिलेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये समझता हूँ कि ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ कि मोदी साहब आए और जनाब अमेरिका ने कहा, जो इसमें सालों की मेहनत है। मतलब कोई भी इंडियन गवर्नमेंट हो, यहाँ से लोग पढ़ के निकले हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उन्होंने अपना नाम बनाया है, और फिर जब से 2014 से या 13 से मोदी साहब आए हैं तो एक मेक ओवर हुआ है, एक उन्होंने 10 साल के अंदर एक रुख बदल के रख दिया हिस्ट्री का। और आप देख लें कि इस वक्त हर कंट्री ये चाह रहा है कि वो इंडिया के गुड बुक्स में हो, इवन कि पाकिस्तान भी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस में से जो जो भी ये सब सोचने की करता है कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे बनाए जाएँ,
उसके खिलाफ यहाँ पे मोर्चा निकल जाता है, या फिर लोग इस तरह के जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं कि वो ये बंदा कहता है कि यार छोड़ो रहने दो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि इंडिया इज़ द करंट रीजनल सुपर पावर, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, अफ्रीकन यूनियन हो, इसी तरह अरब लीग हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, यूरोप में भी है। तो इस वजह से सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रहें, क्योंकि कोविड में सबकी इकोनॉमीज डाउन हुई थी लेकिन इंडिया ने बड़े अच्छे से सर्वाइव किए। तो ये सब पॉलिसीज़ की वजह से होता है, और डेफिनेटली वहाँ पर उनका वेलकम भी स्ट्रॉन्ग था। और एक और वीडियो में भी देख रहा था कि डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, दोनों ने मिल के जो है ना एक आप कह रहे हैं ग्रैंड वेलकम दिए, ये हम सब ने देखा। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।